हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? सबको मेरा नमस्कार। मैं दिनेश कुमार आपका स्वागत करता हूँ ऑनलाइन स्टडी इन हिंदी पर। तो दोस्तों, आज CET एग्ज़ाम के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला, जो परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए बहुत ही बड़ी सूचना। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए। फिर भी अगर आपके मन में कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब लेते हैं और पास ही बने बेल आइकन बटन पर प्रेस कर दीजिए। वीडियो को लाइक तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों, ये जो न्यूज़ है इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाके इस पूरी न्यूज़ को पढ़ लीजिएगा। जो इसमें खास बात है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर बताया गया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9 दिसंबर को आयोजित होने वाली केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CET में गोरखपुर और लखनऊ में परीक्षा देने वाले छात्रों को परीक्षा केंद्र पर समय से पूर्व पहुँचने के लिए निर्देश दिए हैं। तथा CBSE के एक अधिकारी ने बताया कि गोरखपुर में देश के राष्ट्रपति आ रहे हैं और लखनऊ में एक राजनीतिक रैली है, इसलिए पहली और दूसरी पारी में होने वाली परीक्षा देने वाले विद्यार्थी समय से पहले पहुंच जाए। इन दोनों शहरों में मार्ग परिवर्तन होने और यातायात बंदी होने के कारण ये निर्देश जारी किए हैं। तो दोस्तों, खास बात है जो कि गोरखपुर और लखनऊ में एग्ज़ाम देने वाले जितने भी अभ्यर्थी है वो समय से पहले परीक्षा केंद्र पर पहुँच जाएँ। दोस्तों, ये इसकी पूरी न्यूज़ आपको पढ़नी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पर आप क्लिक करके पूरी न्यूज़ को पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, CET की और भी अपडेट जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। बाय।